भले ही आपके परफ्यूम लगाने से लड़की पटे या नहीं, पर हाँ एक बात तो तय है कि ये परफ्यूम और सेंट आपकी बदबू से लोगों को बचाने में जरूर काम आती हैं। और यही परफ्यूम सदियों से ही हमारे बीच ब्यूटी, लग्जरी और हाइजीन का प्रतीक रहे हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हुई थी परफ्यूम्स की शुरुआत। परफ्यूम्स की शुरुआत के लिए हमें जाना होगा 4000 BCE में, लगभग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के आसपास। उस टाइम पर मेसोपोटामियंस मायर या पेड़ से निकले सैप से और सिडार पेड़ का इस्तेमाल करते थे शुरुआती दौर के इंसेंस और फ्रेग्रेंस बनाने के लिए। और यही नहीं बल्कि मेसोपोटामियंस इंसेंटेड ऑयल्स और इंसेंस का इस्तेमाल करते थे रिलीजियस सेरेमनीज और पर्सनल इस्तेमाल के लिए, जिससे ये बात तो जरूर पता लगती है कि परफ्यूम और सेंट का इस्तेमाल कितना पुराना है। और इसे हमेशा से ही अच्छाई और हाइजीन का प्रतीक माना जाता है, और साथ ही परफ्यूम के एक्सट्रैक्ट करने का प्रोफेशन भी इसके ओरिजिन की ही तरह हद से ज्यादा पुराना है। रिसर्चर्स को हाल ही में 3000 BC जितना बेबी लॉन के टाइम का एक एंशियंट टैबलेट मिला, जिसमें जिक्र था दुनिया की पहली परफ्यूमर्स और केमिस्ट टपूटी का, जो कि एंशियंट टाइम से ही उसने परफ्यूम्स बनाने में महारत हासिल कर रखी। और यही नहीं बल्कि इस टैबलेट में दुनिया की पहली परफ्यूम जिसे प्रोसेस करके बनाया गया था उसका भी जिक्र है, जिसमे टपूटी फ्लावर्स, ऑयल्स, कैलमस, बल्साम का इस्तेमाल करके परफ्यूम बनाती थी। और साथ ही इस परफ्यूम्स को सॉल्वेंट के साथ मिलाकर फिल्टर करने का जिक्र भी इस एंशियंट टैबलेट में मौजूद है, जिसके बाद आगे आने वाले सालों में ये खुशबूदार परफ्यूम्स पहुंची पिरामिड्स के देश इजिप्ट। और ये एंशियंट इजिप्शियंस ही परफ्यूम्स बनाने की आर्ट्स को एक नेक्स्ट लेवल ले गए, जब उस टाइम ही इन एंशियंट इजिप्शियंस में परफ्यूम और इंसेंस का ट्रेड होना एंशियंट इजिप्ट काल से ही शुरू हो गया। ये परफ्यूम्स और फ्रेग्रेंसेस एंशियंट इजिप्ट के बीच सोशल और रिलीजियस लाइफ का एक अहम हिस्सा बनकर सामने आए। और उस टाइम पर स्किल्ड आर्टिसन ने रोज, लिली और मायरल कॉन्कॉक्शन बनाकर सेंटेड ऑयल बनाना शुरू किया। इजिप्शियन सेंट्स में लिलीज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट साबित हुआ, क्योंकि इजिप्शियन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से वाटर लिलीज काफी ज्यादा प्योर मानी जाती है, और इसीलिए इजिप्शियन देवता नेफर्टम वाटर लिलीज का बना ताज पहनते हैं। और तो और इजिप्शियन क्वीन क्लियोपेट्रा भी परफ्यूम्स और सेंटेड ऑयल का इस्तेमाल करती थी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट और अपनी खूबसूरती और पावर बढ़ाने के लिए। और तो और एंशियंट इजिप्शियंस ने इन सेंटेड ऑयल को बनाने में इतनी महारत हासिल कर ली थी, फ्लोरल, वुडी और फ्रूटी नोट्स के साथ फ्रेग्रेंस बनाना शुरू कर दिया था। और आज भी यही नोट्स किसी भी परफ्यूम के बेस नोट्स होते हैं, जिसके बाद फ्रेग्रेंस बनाने की ये आर्ट इजिप्ट से पहुंची एंशियंट ग्रीस। और तो और ग्रीक फिजिशियन और बॉटनिस्ट डायोस्कोराइड्स ने परफ्यूम्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देखते हुए कई लेख लिखे परफ्यूम एज अ साइंस पर, और साथ ही एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस और हर्ब्स का इस्तेमाल करके इनोवेटिव टेक्निक्स के साथ परफ्यूम्स बनना शुरू हुई। मिडिवल इस्लामिक पीरियड में आर्ट ऑफ परफ्यूम मेकिंग और फ्रेग्रेंस का ट्रेड हद से ज्यादा फलने फूलने लगा, इसलिए अरब परफ्यूमर्स ने परफ्यूम की दुनिया में काफी बेहतर डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया परफ्यूम एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और यही नहीं बल्कि परफ्यूम्स और फ्रेग्रेंसेस इस्लामिक प्रैक्टिसेस में काफी अहम हिस्सा बनकर सामने आए, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल को काफी बढ़ावा दिया। और तो और एक हदीस के हिसाब से फ्राइडे प्रेयर से पहले बेदिंग, हेयर ऑयलिंग, मिसवाक और परफ्यूम के इस्तेमाल को एक जरूरी सुन्नत माना गया। और एक और हदीस के हिसाब से ऊद, मस्क और एम्बर ग्रीस प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की सबसे पसंदीदा परफ्यूम्स में से एक थी। और साथ ही अतर्स, जो कि एक तरीके का कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम ऑयल होता है, और बखूर का इस्तेमाल भी इसी मिडिवल इस्लामिक पीरियड में काफी बढ़ने लगा। हालांकि इन अतर्स की शुरुआत एंशियंट इंडिया में हुई, पर इसकी पॉपुलैरिटी अरब रीजन में काफी ज्यादा पाई जाती है। और तो और इस्लामिक एरा के दौरान ही एक से बढ़कर एक फ्रेग्रेंसेस, टेक्निक और क्राफ्टमैनशिप की भी शुरुआत हुई। इस पीरियड में बगदाद और कायरो फ्रेग्रेंसेस और परफ्यूम के मेन ट्रेड हब बने, और ज्यादातर अरबिक कंट्रीज में इस्तेमाल होने वाले परफ्यूम अल्कोहल फ्री होते हैं।
जिसके बाद आगे चलकर अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग तरीके परफ्यूम को एक्सट्रैक्ट करने के निकाले और इटालियंस ने अपने यूनिक परफ्यूम्स के साथ फ्रेग्रेंस की आर्ट में महारत हासिल कर ली, जिसके बाद साल 1370 में हंगरी की क्वीन एलिजाबेथ के लिए दुनिया की पहली मॉडर्न परफ्यूम हंगरी वाटर बनाई गई, जहां पर ऑयल ब्लेंड को अल्कोहल के साथ मिक्स कर इस फ्रेग्रेंस को बनाया गया और लेमन, ऑरेंज ब्लॉसम, थाइम और रोजमेरी मेन इंग्रेडिएंट थे इस पहली मॉडर्न परफ्यूम के। 18th और 19th सेंचुरी इस परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब फील्ड ऑफ केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी और ज्यादा बेहतर हो गए, जब परफ्यूम की दुनिया में सिंथेटिक फ्रेग्रेंस बनना शुरू हुए, जिसकी वजह से इन केमिकल्स के इस्तेमाल से किसी भी परफ्यूम, फ्लावर या फ्रूट की स्मेल को इजीली रेप्लिकेट किया जा सकता था, वो भी कम से कम लागत में, जिसके बाद फ्रांस 19th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड के लिए एक फ्रेग्रेंस हब बनकर सामने उभरा, जब फ्रांस में नेचुरल और सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर लॉन्ग लास्टिंग सेंट्स बनना शुरू हुआ। और इसी बीच गोरलेन, शिनेल और कैरन जैसे ब्रांड्स को दुनिया में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला और 18th सेंचुरी में इटालियन परफ्यूमर जोहान मारिया फरेना ने दुनिया का पहला एओ डे कोलोन इन्वेंट किया, जो कि एक परफ्यूम्स का डाइल्यूटेड वर्जन था। और ये परफ्यूम बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनको लाइट फ्रेग्रेंसेस पसंद होती है। और साल 1888 में दुनिया का पहला डिओड्रेंट मम नाम से इन्वेंट किया गया। ये डिओड्रेंट में फ्रेग्रेंस के साथ साथ बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता भी मौजूद थी, क्योंकि इसमें मेटल टिन और जिंक ऑक्साइड जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था। और ये फर्स्ट डिओड्रेंट एक लिक्विड नहीं बल्कि एक वैक्सी क्रीम की तरह था। आप लोगों ने शायद कभी ये गौर नहीं किया होगा कि मार्केट में कभी कभार एक ब्रांड की एक ही फ्रेग्रेंस अलग अलग रेट्स पे मार्केट में मिलती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि परफ्यूम फ्रेग्रेंस मेनली 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है उनके कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। सबसे पहले आते हैं परफ्यूम्स 20-40% कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स होती है और इन परफ्यूम की स्मेल 12 घंटे से भी ज्यादा तक चल सकती है, इसीलिए ये परफ्यूम सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस होते हैं। इसके बाद आती है एओ डे परफ्यूम 10% कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जिसकी स्मेल 8 घंटे तक टिक सकती। फिर आते हैं एओ डे टॉयलेट, जो कि 5-15% तक के कॉन्सेंट्रेशन के साथ आते हैं और इनकी स्मेल सिर्फ 4-7 घंटे तक ही टिकती है। फिर आते हैं एओ डे कोलोन 2-4% कॉन्सेंट्रेशन के साथ, इनकी फ्रेग्रेंस सिर्फ 2-3 घंटे ही टिकती है और ये बाकी फ्रेग्रेंस से काफी ज्यादा सस्ती भी होती है। और लास्ट में आते हैं एओ फ्रेश 1-3% कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जिनकी स्मेल सिर्फ 2 घंटा ही टिकती है। इसी वजह से एक ब्रांड की एक ही फ्रेग्रेंस मार्केट में 2 अलग अलग रेट्स पर मिल सकती हैं। ये रेट्स उनके कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करते हैं। इस टाइम पर मार्केट में एक से बढ़कर एक परफ्यूम के नेचुरल और सिंथेटिक दोनों ही फ्रेग्रेंस मिल जाएंगे, और चाहे गैस वाला हो या बिना गैस वाला। इंडिया में डिओड्रेंट सबसे ज्यादा बिकने वाले फ्रेग्रेंस हैं इंडियन कंज्यूमर के बीच, और यही नहीं बल्कि मार्केट में बारिश की सोंधी खुशबू वाले फ्रेग्रेंस तक इजिली मिल जाएंगे। तो आप किस तरह के फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।